ایک سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین تمام علماء تمام شہداء اپنے محرومین میرے محرومین بانیان مجلس کے محرومین شب جمعہ ہے جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان کو استاد سعید سبط جعفر شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخش امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج اللہ حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وَيُنَجِّي الصَّالِحِينَ وَيَذَرُ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ ثَقَلَيْنِ مَحْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ نَبِيِّنَا سَيِّدِنَا اب القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بھیجو عزیزان شہید و شہداء ماہ محرم کی پہلی گزر گئی شب دو اور شب جمعہ بھی ہے شب جمعہ ویسے بھی شب دعا ہے شب مغفرت ہے شب زیارت شہید و شہداء علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہے ہر شب شب جمعہ مستحب ہے سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کی جائے زیارت پڑھی جائے خدا انشاءاللہ ہمیں بھی کوئی شب جمعہ کربلا میں نصیب فرمائے پروردگار نے اپنے ولیوں کو اپنے انبیاؤں کو ایک خاص آزمائش میں مبتلا کیا تاکہ ان کے ذریعے سے اپنی مخلوق کی ہدایت کر سکے آزمائش اور امتحان خدا اس لیے بھی کرتا ہے کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ثابت قدم رہتا ہے ہماری زندگی میں جو نارمل آزمائش اور ابتلاءات ہیں وہ بھی اس لیے ہیں اور اگر انسان کا امتحان نہ لیا جائے تو وہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ دوسرے سے بہتر ہے یا نہیں اگر آپ بولیں کہ سارا سال انسان پڑھتا رہے اور آخر میں اس سے امتحان نہ لیا جائے کسی بھی کلاس تو وہ کیسے آپ یہ
एग्जामिन करेंगे कि इसने अच्छा पढ़ा है या सही नहीं पढ़ा। हर चीज़ के इम्तहानात हैं, हर चीज़ के दुनिया में, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, वो कि हर किसी का अपना अलग तरीका हो सकता है, लेकिन टेस्ट टेस्ट है। आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ पर भी टेस्ट है। किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं, वहाँ पर भी टेस्ट है। अब ये आजमाइश, ये टेस्ट, ये इम्तहानात बेसिकली आपको चेक करने के लिए होते हैं कि जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं क्या आपके अंदर काबिलियत भी है कि नहीं है। और जब खुदा की तरफ इंसान बढ़ना शुरू करता है और चाहता है कि वो कमाल तक पहुँचे, तो खुदा उसे आजमाइश में डालता है। क्यों डालता है? ताकि चेक करे क्या इसके अंदर कमाल तक पहुंचने की सलाहियत भी है कि नहीं है। जो आदमी ज़रा से इम्तिहान में मुतजलजल हो जाए, उसकी जो इस्तेकामत है वो लरजने लगे, तो वो शख्स कैसे खुदा की राह में साबित कदम रह सकता है? क्योंकि आसान नहीं है। आपके सामने अल्लाह ने नबियों को आजमाइश में डाला। हज़रत आदम आजमाइश में डले, ऊपर से पहली आजमाइश ऊपर ही हो गई। अल्लाह ने कहा कि यहाँ नहीं जाना, इस दरख्त तक नहीं जाना, चले आजमाइश हो गई। आजमाइश हुई, नीचे उतरे, गिरिया, रोना, और उसके बाद बहरा गया। हाबील और काबिल के दरमियान में अल्लाह ने आजमाइश डाली, एक कबूल हो गया, दूसरा कबूल नहीं हुआ। हर नबी आजमाइश में आया। हज़रत नूह इतने 100 साल तबलीग की, आजमाइश थी। नबी के लिए अलग इम्तिहानात होते हैं, नबी को खुदा अलग तरीके से जो है वो उसको 950 साल तबलीग करने के बाद भी थोड़े से लोग जो हैं वो मोमिन है। खूब ये अल्लाह नबी के ज़रिए से देख रहा है। नबी सब्र किए जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है मामला, बढ़ता जा रहा है, अजाब डिले होता जा रहा है, अल्लाह उसको और प्रोलोंग कर रहा है कि देखे। सिर्फ नबी नहीं बल्कि वो लोग जो ईमान लेकर आए हैं, खुदा उन्हें भी देखना चाहता है क्या ये साबित कदम रहेंगे या नहीं रहेंगे। बाज़ औक़ात हम अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं हमारी ज़िंदगी हो कि बस हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, अच्छी से मुराद हमें कोई मुश्किल ना हो, कोई परेशानी ना हो, मतलब किसी आजमाइश में ना डाला जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। असल दुनिया की खासियत में ये इम्तिहानात हैं। आप पानी से गीलापन नहीं छीन सकते, नमक से उसकी तुरशी छीन नहीं सकते, नमकीनपन उसकी नमक की खासियत है। इसी तरह इस दुनिया की खासियत इम्तिहानात हैं, आजमाइशें हैं। आप बोले मेरी ज़िंदगी में कोई इम्तिहान ना हो, कोई आजमाइश ना हो और बस मैं ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजार लूँ, नहीं गुजार सकते। और मोमिन हर लम्हे आजमाइश में डाला जाता है ताकि खुदा उसके दर्जात को बढ़ाए। खुदा चाहता है, खुदा ने डिज़ाइन ऐसे किया है। खूब नबी सारे इम्तिहानात के अंदर आपके सामने आए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की आजमाइश अलग थी। अल्लाह ने हलाल अपने कौम से बाहर आ गए, कहा कि इन पर अजाब नाजिल करें, कौम ने तौबा कर ली पीछे। अगर हज़रत यूनुस ने देखा कि अभी तक अजाब नहीं आया, तो खुदा से कहा परवरदिगार अजाब नहीं आया। वो बहरहाल अल्लाह के नबी हैं, उनका अपना अंदाज़ है खुदा की बारगाह में गुफ्तगू का, खुदा से राबते का। लेकिन अल्लाह ने आजमाइश में डाल दिया। किस में डाला? 3 तरह के तारीकियों में अल्लाह ने हज़रत यूनुस को डाल दिया। पहली तारीकी रात, दूसरी तारीकी समंदर, तीसरी तारीकी मछली का पेट। 3 तारीकियों में हज़रत यूनुस आ गया। खूब आजमाइश थी। अब हज़रत यूनुस क्या करते हैं? 6 महीने तक रिवायात कहती हैं हज़रत यूनुस ने कहा ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। 6 महीने अल्लाह का नबी खुदा की बारगाह में जो है वो इस तरह जिक्र कर रहा है कि मैंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। और जाने मोहतरम हम अपनी ज़िंदगी को कैसे देखते हैं? हम 24 घंटे को कैसे स्कैन कर रहे हैं? क्या हम अपनी ज़िंदगी में जो इम्तिहान में है, ये इम्तिहान अल्लाह की तरफ से है
या कहीं मेरे अपने किसी अमल की कोताही तो नहीं है। खुब आप इसको कैसे टेस्ट करें कि इंसान जो है वो कैसे हो गया, मतलब मेरे साथ कुछ हादसा हुआ, मैं इस हादसे को कैसे स्कैन करूं, यह हादसा मेरी ज़िंदगी में क्यों हुआ? क्योंकि बग़ैर इल्लत के, बग़ैर रीज़न के कायनात में कोई चीज़ नहीं होती है। कायनात जो है वो सबब असबाब उसके रीजंस हैं। एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न, हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न है। आप रास्ते में चले, आपके पाँव में ठोकर लग गई, ठोकर बेवजह नहीं लगी आपको, कहीं कोई फिक्र गलत थी जो खुदा ने आपको ठोकर दी है। खुदा मतलब खुदा का निज़ाम बड़ा जूम है जाने मोहतरम। खुदा ऐसे नहीं, खुदा कुरान में कह रहा है पत्ता मेरी मर्जी के बगैर नहीं गिरता। वो जो पत्ता उसकी मर्जी के बगैर ना गिरे तो अशरफुल मखलूकात ठोकर बगैर ऐसे ही खा लेगी। पत्थर सामने कैसे आया, बेदेहानी कैसे हो गई, बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर वो जवान जिसकी फजर की नमाज कज़ा हो जाए, उसे सोचना चाहिए क्यों मेरी नमाज कज़ा हुई, कोई ऐसा काम मैंने किया जिसकी वजह से अल्लाह ने इबादत की वो जो खुसूसियत थी वो मुझसे सल्ब कर ली। ऐसी है ना, मतलब एक आदमी नमाज पढ़ा, इबादत कर रहा है, सजदे कर रहा है, खुदा का करम है उसके ऊपर, लेकिन अगर नहीं किया सजदा, सोता रह गया। एक शहीद अपने वसीयत नामे में लिखता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे तारीख दिन था जब मैं सुबह उठा तो सूरज निकल चुका था। खूब ये रीज़न, वो मेरी नमाज मुझसे देर हो गई, छुट गई। खूब ये इल्लत क्या है, रीज़न क्या है, वो इसको आप ढूंढें अपनी ज़िंदगी के अंदर। ऐसे ज़िंदगी ना गुजारे, मतलब चल रही है तो चल रही है, ऊपर बहुत हिसाब किताब है, यानी हर चीज़ बहुत बहुत माइनर जो है वो कंट्रोल हो रही है। अल्लाह का निज़ाम है, हमारे जैसा नहीं है कि मतलब मैं आप दो चार को देख सकता हूँ, बाकियों को मुझे मैं नहीं देख सकता हूँ, मेरी महदूदियत है, मैं कितनों की तरफ देखूँगा गुफ्तगू करते वक्त, वो मेरी मैं, और अगर नज़र भी आएगा तो मुझे क्या नज़र आएगा, और अगर आया भी नज़र तो सिर्फ आपकी शक्ल नज़र आएगी। मैं ना आपके इरादे पढ़ सकता हूँ, ना मैं आपके कल्ब को देख सकता हूँ, ना मैं जो आप करके आए हैं उसे देख सकता हूँ, ना मैं वो जानता हूँ जो आप यहाँ से जाके करेंगे, वो मैं महदूद हूँ। मगर वो इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन क़दीर है, उसके इल्म ने अहाता किया हुआ है, वो सब जानता है। उसको आप कैसे मतलब कैसे बोलेंगे कि खुदा तू ना देख मुझे, कैसे आप कहेंगे? तौहीद यही तो ईमान और एतिकाद है कि हर चीज़ महदूद है सिवाय उसके, हर चीज़ महदूद है, उस वो है जो सुना महदूद है, उसका इल्म ला महदूद है, वो हर चीज़ पर दस्तरत रखता है, उसकी वो आपके इरादे आपकी नियतें सब जानता है। हम एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, हम खुदा को धोखा नहीं दे सकते, और ना सिर्फ खुदा बल्कि खुदा जिस पर अपने नूर की तजल्ली कर दे वो भी हमारे हालात से वाकिफ है। आप शब जुमा है, बहरहाल हम सब के मरूमीन आज कब्रों में हमारी तरफ मुंतज़र होते हैं, एक सलावात पढ़कर अपने तमाम मरूमीन को जो है वो बख्शना। अल्लाह जाने मतरम अकबर आजमाइश, ये इम्तिहान है।
خدا کبھی دے کر بھی امتحان لیتا ہے، کبھی چھین کر بھی امتحان لیتا ہے۔ خدا کا اپنا نظام ہے، خدا جس کے ساتھ جو چاہے جس طریقے سے چاہے، اور اپنے ولیوں کے ساتھ خدا کا اپنا ناز ہے، وہ ان کو جس طرح سختیوں میں رکھتا ہے وہ ولی جانتے ہیں اور وہ خدا جانتا ہے۔ آپ کے سامنے حضرت ایوب کے ساتھ کتنا امتحان لیا گیا، سب کچھ لے لیا، مال لے لیے، باغ لے لیے، زمینیں، اولاد، سب کچھ لے لیا، اور پھر حضرت ایوب کے بارے میں لوگوں نے باتیں شروع کر دیں۔ یہ سب پریکٹیکل ہے۔ دیکھیں، قرآن جو ہے وہ مارس کی مخلوق کے لیے نہیں اترا، قرآن ہمارے لیے اترا ہے، اور وہی چیزیں جو ہماری زندگی میں ہیں قرآن ہمیں اسی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اب حضرت ایوب کو اتنی مشکلات ہوئیں، شہر سے باہر چڑھے گئے، بیماری اتنی شدید ہو گئی، اب لوگوں نے آپس میں باتیں کی کہ کوئی ایسی خرابی ہوگی، نعوذ باللہ، تبھی اللہ نے حضرت ایوب کو امتحان میں ڈالا۔ اب جیسے ہماری زندگی میں نہیں ہوتا، یہ بڑا کامن سی بات ہے، کسی کا بیٹا نہ ہو تو ہم لوگ کس طرح اس کو تانے دیتے ہیں کہ دیکھو ان کی تو بیٹیاں ہیں صرف۔ کئی لوگوں نے مجھے شکایتیں کی ہیں جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، لوگ کس طرح سوچتے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو، دیکھا ان کے یہاں بیماری ہے، ان کو یہ لوگ، ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں، نہیں ہے ایسا، نہیں محترم، ان کو یہ دیکھیں، ان کو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یقیناً انسان کی اپنی غلطی کوتاہی ہوتی ہے، لیکن ہم کون ہوتے ہیں کسی کے لیے اس کی تکالیف کو مشخص کرنے کے لیے؟ ہمیں اپنی آزمائش دیکھنی چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اوپر امتحان کیوں نہیں آ رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے خدا نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ مومن 40 دن تک اگر وہ آزمائش میں نہ آئے اسے سوچنا چاہیے۔ مشہور واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا، ایک شخص نے رسول خدا کو کہا کہ مطلب میرے گھر آئیں، دسترخوان کھانے پر آئیں، بہت اصرار کیا، رسول خدا ایک دفعہ چلے گئے، بیٹھے تھے تو دیکھا اوپر دیوار پر مرغی بیٹھی، اس نے انڈا دیا، انڈا نیچے کی طرف آیا تو سب کی نگاہ اس کی طرف پڑی، تو اس نے کہا کہ پریشان مت ہوں، یہ نہیں ٹوٹے گا، اور وہ پھنس گیا رستے میں کہیں۔ تو کہا کیوں؟ کہا میرا آج تک کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا، کبھی مجھے کوئی مشکل نہیں پڑی۔ رسول خدا دسترخوان سے اٹھ گئے، کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا جس پر اللہ نے آزمائش نہ ڈالی ہو میں اس کے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھا سکتا، یہ تمہیں خدا نے تمہارے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ وہ جانے محترم، انسان اولاد سے، انسان مال سے، انسان بدن صحت سے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ خب جو ظاہر ہے مقرب بندے ہیں، اللہ ان کو اسی طریقے سے آزما۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں محنت نہ کریں، آپ اپنی زندگی میں سٹرگل نہ کریں، ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، بولے بیمار ہو گئے، اللہ نے بیمار کیا، نہیں، خدا شفا دیتا ہے، گولی شفا نہیں دے گی، لیکن آپ کو دوائی کھانی ہے، آپ کو یہ جانا ہے جو دنیا کے رولز ہیں اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے، یہ ہمیں آپ کو کام۔ لیکن آزمائش، اب حضرت ایوب کو جب دیکھیں نا، ظاہری مشکلات انسان برداشت کر سکتا ہے، زبان کے تانے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب کو جب یہ گفتگو سننی لگی تو حضرت ایوب کا دل جو ہے وہ عجیب سا ہو گیا، خدا کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی ہیں بہرحال، اللہ کی بارگاہ میں کہا پروردگار تو نے یہ لے لیا، تو نے وہ لے لیا، سب لے لیا، میں نے صبر کیا، مگر اب یہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ جیسے یہ کہا نا کہ اب، تو ایک بادل کہ جو آیا ہوا تھا ادھر سے آواز آئی، ایوب مگر پہلے جو صبر تم نے کیا وہ تم نے کیا تھا یا ہم نے دیا تھا؟ خوب یہ خدا ہی کی طرف سے ہے، خدا انسان کے وجود میں صبر کو اتارتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس جانے محترم، اسی طرح جہاں نبیوں کی آزمائش وہاں ہماری آزمائش، اسی طرح قوموں کی بھی آزمائش ہوئی۔ آخری نبی جب خدا کی بارگاہ میں ہے تو خدا نے کہا کہ جو ہم نے تم سے عہد و پیما لیا تھا
उसका वक्त है, खूब अहद व पैमा क्या है, खूब कौम और उम्मत की आजमाइश सख्त होती है, आसान नहीं होती। कुरान हमें उसी तरफ इशारा करता है कि जिस तरह बनी इसराइल के वाकयात हैं, कौमों की आजमाइश है। 40-30 दिन हज़रत मूसा तूर पर गए, 10 दिन एक्सटेंड हो गए, कौम जो है वो गौशाले की पूजा करने लगी, आजमाइश थी। गायब हुआ अल्लाह का नबी, गैबत में गया, गैबत में कौम गुमराह हो गई। जहाँ रसूल खुदा ने दुनिया से, ज़ाहरी दुनिया से अपनी आँखों को बंद किया, ज़ाहरी दुनिया से, वहाँ कौम की आजमाइश शुरू हो गई। कौम की आजमाइश विलायत के ज़रिए से की गई। खुब जब विलायत उतारी गई, जिसने उसको कबूल किया वो सर बुलंद हो गया, और नहीं कर पाया तो फिर तीसरा ऑप्शन कोई नहीं था। आप नमाज़ें पढ़ लें, आप रोज़े रख लें, आप ज़कातें पढ़ लें, लेकिन अगर इमामत और विलायत के इम्तिहान से सर कामयाबी के साथ नहीं बाहर निकालेंगे, कुछ कबूल नहीं है। कौम आजमाई गई। मैं बहुत तरीके से गुफ्तगू करनी पड़ती है क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ गुफ्तगू जा रही होती है। जाने मोहतरम, खूब कौम आजमाई गई, आजमाई सख्त थी। हजरत अम्मार असहाबी हैं और जो हैं वो बुज़ुर्ग सहाबी हैं, रसूल खुदा की खिदमत में आए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपके जाने के बाद फितना देख रहा हूँ। वो क्योंकि बाबसीरत थे, फितना देख रहा हूँ, तो मैं इस फितने के दौर में क्या करूँ, क्योंकि कौम किस से आजमाई जाएगी, फितने से आजमाई जाएगी ना, फितना आजमाइश है। जाने मोहतरम, रिवायात हैं कि फितने से घबराओ मत, फितना मोमिन को निखारने के लिए आता है और मुनाफिक को अलग करने के लिए आता है। तो आप ये ना बोलेंगे अल्लाह हमें फितने ना, नहीं फितने हूं, लेकिन फितने में कामयाबी दे परवरदिगार। फितना होगा, फितना आज भी है, फितने होते रहेंगे, खूब ज़हूर तक फितने अपने औजों पर हैं। ये आजमाइश उम्मत की जारी रहेगी जब तक हादी गैबत के अंदर है। वहाँ 40 दिन गैबत हुई, लोगों ने गौशाला की पूजा कर ली, यानी उस बछड़े की जिसमें सामरी जादूगर ने बनाया। वो आज सामरी जादूगर कौन है? आज गौशाला क्या है? वो आज कौम किधर जा रही है? क्या वाकयन उसी दीन पर कायम है कि जो इमाम वक्त ने आकर उसको तबईन करना है? वो फितना है जने मोहतरम। यहाँ आजमाइश, जब हज़रत अमार ने कहा या रसूल अल्लाह मैं कहाँ जाऊँ, तो ऐसे में देखा कि हज़रत अली जब ने अबी तालिब तशरीफ़ ला रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं, रसूल खुदा ने कहा अम्मार पूरी दुनिया के लोग एक वादी में और अली एक वादी में हो तो तुम अली की तरफ जाना। और ये सब के लिए, इसमें कोई सुन्नी शिया या कोई और मसलक नहीं है। खूब यहाँ मामला विलायत का है, वो भी विलायत ज़ाहिरी विलायत बातिनी। क्यों? क्योंकि हम अगर तौहीद तक पहुँचना चाहते हैं तो सिरात यही है, और कोई रास्ता नहीं है। आप ज़ियारत जामे कबीरा पढ़ दें, बाबुल्लाह अल्लाह की तरफ जाने का दरवाज़ा बाब तौहीद, खूब सिर्फ यही है और कोई नहीं है। और अगर इंसान ने कहीं जाना है तो दरवाजे से ही जाएगा, बग़ैर दरवाजे के कहाँ जाएगा? अगर अब रसूल तक भी जाना है तो दरवाज़ा यही है, खुदा तक जाना है दरवाज़ा यही है। ऐसा नहीं है कि खुदा मोहताज है, नहीं है जने मोहतरम, खुदा किसी का मोहताज नहीं है। खुदा कुरान में कह रहा है अंतुमुल फुकरा इल्लल्लाह, तुम मोहताज हो, तुम फकीर हो। लेकिन ये उसका निज़ाम है, अगर मुझ तक पहुंचना है तो इसी विलायत को तय करना पड़ेगा।
اور جب کوئی ولایت کو قبول کرتا ہے تو اسے آزمائش سے گزرنا پڑے گا، یعنی ولایت قیمت مانگتی ہے. کربلا ولایت کے ظہور کی جگہ ہے جہاں لوگوں نے قیمتیں ادا کی ہیں. جو جتنی ظرفیت رکھتا تھا اس نے اتنی ولایت کو قبول کیا، اور جس نے جتنا ولایت کو قبول کیا اتنی اس کی آزمائش بڑھ گئی. اب آپ 1400 سال بعد بھی یہ سوچیں کہ ہم کیوں اتنی آزمائش میں ہیں، ہم کیوں اتنی مشکل میں ہیں. خوب، آپ نے اقرار کیا ہے ولایت کا، جس نے ولایت کا اقرار کیا ہے اسے امتحان آزمائش سے گزرنا پڑے گا، اور بغیر گزرے آپ کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے. کچھ بھی کر لیں آپ، آپ اپنی ذاتی زندگی میں بھی امتحان میں ہیں، آپ اپنی اجتماعی زندگی میں بھی آزمائش میں ہیں. تو گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ ایک ہی ہے جس نے اس ولایت کے پرچم کو لہرانا ہے. وہ چاہے پیدا ہو، وہ چاہے غیبت میں ہو، وہ ایک ہی ہے. وہ ابھی ہمارا فوکس یہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں بہرحال خدا تک پہنچنا ہے. خدا نے بندوں کو پیدا کمال کے لیے کیا، اور کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ امامت کے ذریعے سے اس تک نہ پہنچیں. خوب، یہ ولایت تاثیر گزار ہے، انسان کے اوپر اثر کرتی ہے. انسان اپنی زندگی میں اس کو ٹیسٹ کر سکتا ہے، آزما سکتا ہے. انسان اس ولایت کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، اور یہ ولایت جس کے وجود میں آ جائے اس کا کردار تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا اخلاق بدل جاتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے، اس کی گفتگو الگ ہے، اس کی نگاہیں الگ ہیں. اب ہم دیکھیں جتنی تاثیر ہمارے اوپر ہے ولایت کی اتنا اثر انداز ہوگا. اور انسان توحید تک نہیں پہنچ سکتا جب تک انسان ولایت کے وجود اور رستے سے نہ گزرے. اب توحید جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. وہ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہے کہ جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، امام رضا فرماتے ہیں، نشاپور میں مشہور ہے، کئی محدثین عامہ کے سب جمع ہوئے ہوئے تھے، کئی ہزار لوگ، اور امام سے انہوں نے کہا کہ ایک حدیث بیان کریں، میں تفصیل میں نہیں جاتا. امام نے حدیث بیان کی کہ لا الہ الا اللہ کلمہ تو اصنی، لا الہ الا اللہ جو ہے وہ کلمہ ہے. کلمہ کیا ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، یعنی یہ قلعہ ہے جو لا الہ الا اللہ ہے، اور اس میں وہی داخل ہوگا، یعنی جو اس لا الہ الا اللہ کو کہے گا وہی اس میں داخل ہوگا، اور جو داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا. خوب، یہ لا الہ الا اللہ، دیکھیں نا، انسان مشرک ہو، بت پرست ہو، کوئی بھی ہو، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے انسان، پہلے نجس تھا ابھی پاک ہو گیا، پیچھے جو زندگی گزاری ختم ہو گئی، اب نیا چیپٹر آن ہو گیا. اب آپ اس کو یہ نہیں بولتے کہ تم نے پہلے یہ کیا تھا، تم نے پہلے وہ کیا تھا، نہیں. لا الہ الا اللہ یعنی لا الہ الا اللہ کیا، فمن دخل اسنی امانہ من عذابی، جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے وہ بچ گیا. تو یہ امام کی حدیث ہے، اسی کانٹیکسٹ میں اور احادیث بھی ہیں، لیکن اس لا الہ الا اللہ میں داخل ہونے کی شرائط ہے. اور یہ خود امام کی سواری، جب امام نے بیان کیا امام کی سواری چلنا شروع ہو گئی، سب منتظر ہیں کہ بس یہی گفتگو تھی، کچھ اور بھی امام کہیں گے، ہاتھوں میں قلم ہے، رکے ہوئے ہیں. تھوڑی سی سواری آگے گئی، امام نے پردہ ہٹایا، امام نے کہا کہ اس قلعے میں داخل ہونے کی شرائط ہیں اور میں ان میں سے ایک شرط ہوں. یعنی بغیر امامت کے لا الہ الا اللہ میں داخل. اذان محترم، ابھی دور آ گیا ہے. اب آپ پاسٹ ٹینس پہ بحث کرنا چھوڑ دیں، میں سب کے لیے، اپنے لیے بھی ہے، سب جتنے فرقے ہیں سب خوب چھوڑ دیں. پاسٹ ٹینس یعنی ماضی پہ لڑتے رہیں، بھڑتے رہیں، گفتگو، کوئی فائدہ نہیں ہے.
آپ سے ماضی کا سوال نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے آج کا سوال پوچھا جائے گا. آج آپ دیکھیں نا، سویڈن میں قرآن کی اہانت پھر کی گئی. دیکھیں کس طریقے سے قرآن کے ساتھ اہانت کی گئی. کوئی مسلمان باغیرت مند برداشت کر سکتا ہے؟ یہ حکومتیں ہمارے مذہب کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، وہ کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ ہم اصل میں پچھلی باتوں میں لڑ رہے ہیں. ہم ابھی تک اپنی ان چیزوں میں لڑ رہے ہیں کہ جس کو ہم نے نہیں کیا، جس کا ہمارے پاس حل بھی نہیں ہے. کیوں، ہاں علمی گفتگو کریں، بیٹھ کے گفتگو کریں. ہر کسی کے اپنے نظریات ہیں، ہر کسی کے اپنے عقائد ہیں، بسم اللہ، کوئی کسی پر اعتراض نہ کرے. لیکن ابھی مسئلہ امت مسلمہ کا ہے، ابھی مسئلہ اسلام کی آنے والی حکومت کا ہے، دنیا کا ہے. کیسے کسی کی مجال ہو گئی؟ اتنے مسلمان ہیں دنیا کے اندر، اور کوئی ایک حکومت اجازت دے کہ آپ کی مقدس کتاب کے ساتھ جو ہے وہ اہانت کی جائے. اب آپ دیکھیں، عراق نے تو آج فوراً جو ہے وہ سویڈن کے سفیروں کو نکال دیا، سارا کام ختم کر دیا. ایرکسن، H&M، والوو، اسکینیا، خوب ایسے کریں گے تو پھر آپ جائیں گے، مطلب روز قیامت میں ہم کیا منہ دکھائیں گے خدا کی بارگاہ میں؟ اول تو ہم نے ویسے بھی کچھ نہیں کیا اسلام کے لیے، تو آگے ہم قرآن کو کیا جواب دیں گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم الہی نظام کو نہیں سمجھ رہے. الہی نظام جب تک حاکمیت نہیں کرے گا، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور یہ ہم چھوڑ دیں یہ اپنے فرقوں تفرقے، صبح آگے آئیں. سب کی کتابیں متفق ہیں، حتیٰ صرف مسلمان نہیں، بدھسٹ، زرتشت، عیسائی، کرسچن، سب کہتے ہیں کہ ایک شخص آئے گا جو دنیا کو امن سے بھر دے گا. وہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اس قابل کریں گے کہ آپ اس تک پہنچ سکیں. اپنی ذاتی زندگی میں آزمائش سے گزرنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ ہے، یہی مسلمان و اسلام کی پہچان ہے. خدا نے اپنے نبیوں کو بھی یہی پیغام دیا کہ صرف کسی اور کی نہیں، صرف میری عبادت، میری بندگی، میری عطا. اور کسی نبی نے اپنی طرف نہیں بلایا، سارے نبیوں نے خدا کی طرف دعوت دی ہے. اور یہی ایک یکتا پیغام ہے مذاہب کا، کہ اسی کی طرف بڑھو اور ہم سب اس کی طرف بڑھیں. اب وہ کیا ہے، وہ کیسا ہے، جو ہماری گفتگو بہرحال چل رہی ہے کہ یہ اسماء الہی یا یہ صفات الہی جو ہیں اللہ کی، خوب خدا کسی صفت میں نہیں سما سکتا. بہرحال آپ جو بھی صفت کریں گے، صفت مخلوق کی طرف سے ہے، اور مخلوق خدا کے وصف کو، خدا کی ڈیفینیشن کو بیان نہیں کر سکتی ہے. خدا کیا ہے؟ وہ مخلوق خود محتاج ہے، اور جو محتاج ہو وہ کیسے غنی کی جو ہے وہ تشریح کر سکتی ہے؟ مگر آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے ولیوں کے ذریعے سے کیا خوبصورت تعریفیں کی ہیں. یہ جتنے بھی ہم اللہ کے نام پڑھتے ہیں، اللہ کے ناموں کو یاد کرتے ہیں، یہ خدا نے خود ہمیں تعلیم دی ہے، ورنہ کوئی مخلوق اس کی تعریف نہیں کر سکتی. مولائی یا مولا، انت المولا ان العبد وهل يرم العبد الا المولا، مولائی یا مولا انت الرازق ان المرزوق وهل يرم المرزوق الا الرازق، مولائی یا مولا انت العزیز و انا الذلیل. یعنی ساری بزرگ صفات تیرے لیے ہیں، اور سارے نقص، ساری مشکلات میرے اندر پائی جاتی. کیوں؟ کہ میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں پروردگار. اور جو محتاج ہو پروردگار، وہ کیسے تیری تعریف بیان کر سکتا ہے؟ یہ جو ہم تعریف پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی تو نے سکھائی ہے پروردگار، ورنہ میرے زبانوں میں کہاں ایسی طاقت کہ میں تیری حمد و ثنا کروں. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، صلی اللہ علیہ وسلم، امام سیف سجادیہ کی ایک دعا میں کیا فرماتے ہیں؟ یا غنی الاغنیاء انا افقر الفقراء،
ए बेनियाज़ों में सबसे बड़े बेनियाज, मैं मोहताजों में सबसे बड़ा मोहताज हूँ। खूब ये जो इंसान बयान करता है, ये जो दुआ, अब दुआए अबू हमज़ा, दुआए अरफा, ये जो सहर में इंसान जागता है, खूब ये इंसान अपने वजूद से खुदा की इन असमा में सैर करता है। दुआए जोशन कबीर में आप हज़ार नामों को खुदा के याद करते हैं। अब ये खुद खुदा की तरफ से अज़ान मोहतरम, वो किसी चीज़ में समा नहीं सकता, वो किसी चीज़ में समेटा नहीं जा सकता, वो लामहदूद है। और यही कि इंसान उस पर डिपेंडेंट हो कि जो लामहदूद हो। इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर उन दरवाज़ों की तरफ मुतवज्जे जाए, दरवाज़े ख़ुद किसी और की तरफ डिपेंडेंट हो, तो इंसान कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। आयतुल्लाह आगा गुलाबी के जो बहुत बड़े आरिफ गुज़रे हैं, कि खुदा ने एक ही दफ़ा उनके लिए जो है वो आलम गैब को खोल दिया, वो फरमाते हैं कि जब ज़िंदगी में तुम देखो कि तुम्हारे ज़िंदगी के सारे दरवाज़े बंद हो गए हैं, तो समझ लो अब तुम उसकी तरफ मुतवज्जे होगे कि जो किसी पर डिपेंड नहीं करता। खूब ये ज़िंदगी में इंसान अपनी ज़िंदगी में इसीलिए सबसे पहले इंसान को खुदा की बारगाह में सजदा रेज़ होना। कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, कोई भी चीज़ आए, सबसे पहले इंसान खुदा की तरफ। खुदा खुद कह रहा है, बनी आदम, तो मैंने सारी चीज़ों को तुम्हारे लिए खल किया है, मगर तुम्हें मैंने अपने लिए खल किया है। और बनी आदम है कि वो खुदा की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा, अपनी ज़िंदगी में मशगूल है। ज़रा सा इम्तिहान मुश्किल पड़े, शिकवे शुरू हो जाते हैं, खुदा तूने ये कर दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ। तो खूब हमारी ज़िंदगी कितने दिन है, कितने दिन है, 60 साल, 100 साल, 700 साल, जो कि मुमकिन नहीं है, बहरहाल मतलब आप कर लें, आप 700 साल जिंदा रहे, 700 साल, 700 साल माइनस इन्फिनिटी, जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, जवाब क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो आपने यहाँ कितने दिन रहना है, 100 साल, 700 साल, चले रह ले, कर ले जिंदगी में 700 साल माइनस इन्फिनिटी, यानी क्या, कुरान क्या कह रहा है, हुम फिया खालिदून, तुम वहाँ हमेशा रहोगे। हमेशा को माइनस करें 100 में से, क्या आएगा, हमेशा। तो यानी थोड़े दिनों के लिए आप हमेशा को बेच रहे हैं, थोड़े दिनों के लिए, थोड़ी सी आजमाइश, थोड़ा सा इम्तिहान, दीन बेच दिया, जबान बेच दी, तफक्कुर बेच दी, एक निगाह ना महरम पर सुबह फजर की नमाज कज़ा हो गई, क्या कर रहे हैं। दुनिया के सारे खजाने जमा भी हो जाए ना, एक फजर की नमाज की कीमत नहीं दे सकते, एक फजर की नमाज। ये मैंने नहीं कहा, ये मासूम है। चढ़े इमाम के बाद शख्स आया, इस्तखारा कराया काम के लिए, इस्तखारा अच्छा नहीं आया, चला गया, काम करके वापस आया, कहा मौला देखें इतना फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और आपने तो कहा था सगार अच्छा नहीं है। तो इमाम ने कहा फलाने मकाम में, फलानी जगह पर तुम्हारी फजर की नमाज़ कज़ा हुई थी, हाँ हाँ मौला, कहा सारे फ़ायदे जमा भी कर लो, उस एक फजर की कीमत नहीं दे सकते, ऐसा नहीं होता। जहाँ हमेशा रहना है, आपस में नफरतें, भाई भाई से नाराज़, बहन बहन से नाराज़, मोहल्ले वालों से नाराज़, सड़क पर चढ़ते हुए किसी से नाराज़, उठने बैठने में एक दूसरे से, भाई थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, और अगर मैं अभी मर जाऊँ तो मेरे पास है क्या। खुदा कहेगा ये तो दुनिया में नाराज़ ही होता रहता था, इसको मैं क्या दूँ। कभी शुक्र भी कर लेते, कभी सजदा भी कर लेते, कभी राज़ी भी हो जाते, किसी भी चीज़ पर राज़ी हो जाओ। खुदा हदीस है, वही 8वें इमाम से जाने, तो आज लग रहा है कि मशहद से कुछ करम ज़्यादा आ रहा है। सलवात भेज दे मोहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी तो जाने फिदा 8वें इमाम पर,
हमारा तो सब कुछ वैसे भी आठवें इमाम का है, वो हमारे पास तो कुछ भी नहीं, ना आना है ना जाना है ना तालीम है ना कुछ है, वो उन्होंने इज्जत दी हुई है तो मामला चल भी रहा है, और वो और एक उनकी बहन, दोनों का करम है जो मामला जो है वो ज़िंदगी में चल रहा है। जाने मोहतरम वो आठवें इमाम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह के कम दिए हुए पर राज़ी हो जाओ तो खुदा तुम्हारे कम अमल को भी कबूल कर लेगा। उसके कम दिए पर राज़ी हो जाओ, वो कहते जो दिया राज़ी हो जाओ, तुम्हारी रजा। ये सब जो कनेक्शन है ना, ये उस मारफत का है कि इंसान को खुदा की तौहीद की मारफत हो कि मैं किसके सामने खड़ा हूँ, मैं किसके सामने हाजिर हो रहा हूँ, कौन है कि जिसके इख्तियार में पूरी कायनात है, कौन है जिसके इरादे से सब खल्क हुआ है, कौन। खूब ये ज़रूरी है, ऐसे लोग इश्क में दीवाने नहीं हुए जाने मोहतरम, जिन्होंने खुदा की मोहब्बत को ज़रा सा चख लिया, दुनिया ने उनको किसी को मजनू कह दिया, किसी को पता नहीं क्या क्या कह दिया। खूब असल तो इश्क इलाही है। वो एक जवान दुनियाई मजाजी जो मोहब्बत होती है उसकी खातिर सख्त सर्दी में अपनी खिड़की के किनारे बैठा रहा कि शायद महबूब की कोई एक झलक मुझे किसी वक्त नज़र आ जाए। सख्त सर्दी मगर महबूब नज़र सारी रात नहीं आया, मगर सर्दी में बैठा रहा, मगर उसने देखा कि सुबह के वक्त कुछ और लोग किसी और महबूब की बारगाह में जा रहे हैं, और देखा कि अरे शहर का वक्त है, अजान हो रही है, देखा कि सारी रात बैठा रहा, महबूब ने एक झलक नहीं दिखाई, और ये उस महबूब की एक आवाज़ पर सख्त सर्दी में उठ के जा रहे हैं। तो उसने बोला कि मैंने अपनी रात को कहाँ गुजार दिया, अगर मैंने भी उसकी मोहब्बत में गुजारा होता आज मैं कहाँ खड़ा होता। बहुत जाना हो तुम, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिसको नसीब हो जाए वो छः माह का बच्चा भी ले जाता है, वो कड़ियल जवान भी ले जाता है। वो जिसे इश्क, जिसकी जितनी मारेफत, जिसकी जितनी मोहब्बत बढ़ती चली जाती है उसकी कुर्बानी भी बढ़ती चली जाती है, और जो जितना ज़्यादा इस मोहब्बत में मुब्तला होता है इतना वो अपने महबूब की तरफ मुतवज्जे होता है। यहाँ चेहरे पर शिकन नहीं आई कि क्या क्या लुट गया, कोई शिकन नहीं आई, कहीं कोई जुमला मक्तल में किसी मकाम पर आया हो, किसी बदन को लाते हुए आया हो, किसी बदन पे पहुँचते वक्त आया हो, कोई नहीं आया। क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई तेरे सिवा, कोई नहीं है, बेबी अंता व उम्मी सब कुर्बान। ये तो घराना ऐसा है जिस घराने की तरबियत ही ऐसी हुई है। इस घराने ने गो के कूचा बनी हाशिम के कच्ची दीवारों का घर है, मगर इस्लाम की बका इसी घर से है। वो यहाँ तरबियत ऐसी हुई हुई है, हम जाने वाले उतरने वाले, दो मुहर्रम हो गई है, कारवां जो है वो कल पहुँच जाएगा, पर लाज शबे दो है, कैसे उतरेगा, कहाँ उतरेगा, कौन उतरेगा, कौन किसकी तैयारी करेगा, वो कहीं कोई शिकवा, कहीं कोई शिकायत।
नहीं है, करबला यही है। हम 10 दिन हद अकल, वरना 2 महीने 8 दिन हम इसी दरसगाह में आते हैं ना, यहाँ से उठने के बाद हमारी भी तो थोड़ी तो कैफियत तब्दील होनी चाहिए। हम भी अपनी ज़िंदगी में कम से कम 2 महीने तो शिकवा ना करें कि खुदा ये क्या है। नहीं नहीं, मैं हुसैन के गम में हूँ, खुदा मैं कैसे शिकवा कर सकता हूँ। जब हुसैन की बहन ने सब कुछ देकर भी ये नहीं कहा कि ये क्या हो गया, ये ना सुना हो ही नहीं सकता, इनसे ज़्यादा मारिफत किसी को है ही नहीं। तौहीद सीखनी है इनके घर से सीखिए। क्या कहा, तकब्बल मिन्ना, परवरदिगार कबूल कर ले। यानी इतना सब कुछ देने के बाद भी खुदा से कहा जा रहा है परवरदिगार कबूल कर ले। अब ये तौहीद है, ये जलवे हैं, ये इश्क है कि शाम गरीबा में अल्लाह अकबर अपनों के बदन बिखरे पड़े हैं, सहमे जल चुके हैं, अज़ादारा ने बता रहा हूँ, खूब उसके बावजूद तहज्जुद के सजदे हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये तो ईद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, करबला ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई गुमान ना करे कि ये मजलिसें किसी फिरके की हैं, नहीं अजान, ये बशरियत की बका है। अगर चाहते हो बाकी रहो, आओ अज़ाए हुसैनी में आओ। ये अश्क तुम्हारी आखरत का सरमाया है, ये अश्क तुम्हारे वजूद को पाक करते हैं। जब तुम पाक हो, यही तो कहा मेरा सलाम हो 8वें इमाम पर, इमाम यही तो फरमाते हैं यबन शबीब, जब मुहर्रम आते थे इमाम ने हमेशा स्याह जो है वो लिबास पहन लिए, इमाम जो है वो मुस्कुरा नहीं रहे, यबन शबीब। फिर गिरिया, इमाम फरमाते हैं गिरिया पाक करता है, और उसके बाद इमाम फरमाते हैं जब भी इनको याद करो ना करबला वालों को, या लैतनी कुंतु माकुम फाफूजो फौजन अजीमा, याद करो। आइए, पहली मुहर्रम का दिन गुजर गया, उस शहीद को याद करें कि जो गुर्बत में मारा गया, गुर्बत गुर्बत अजीब। इमाम जब भेज रहे हैं तो इमाम ने जो खत लिखा है ना कूफा वालों के लिए, क्या कहा, ये नहीं कहा कि मेरा रिश्तेदार है, नहीं, मेरा भाई है, अपना भाई का सिक्का, यानी मेरा मोरद एतमाद है, मेरे भरोसे का आदमी है। कुर्बान जाऊं मैं हजरत मुस्लिम पर, आसान नहीं है जाने मौत, मकाम हासिल करना विलायत का आसान नहीं है। ऐसा मकाम हासिल किया हजरत मुस्लिम ने, मैं जब पिछले साल तौफीक, वो तो हर साल अरबईन में तो होती है, लेकिन कूफा ज़ाहिर है जब इंसान खलवत में जाता है तो वो आम दिनों में जाता है, तो जब मैं आखिरी दफ़ा मस्जिद कूफा गया तो हज़रत मुस्लिम के रोज़े पर मैंने हज़रत मुस्लिम से एक ही रिक्वेस्ट थी, एक ही दरख्वास्त, आखिर आपने ऐसा क्या किया कि जहरा का लाल अपने आखिरी गुर्बत में, जब सब ख़त्म हो चुका था, अपनी तलवार के सहारे दश्ते करबला में सबसे पहले आपको याद किया है, सबसे आईना 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 मुस्लिम, दाएं देखा बाएं देखा, कहां हो मुस्लिम, मतलब क्या, यानी हजरत मुस्लिम इमाम हुसैन के बड़े करीब हैं, और ये आम बात नहीं है जालिम मोहतरम, यानी हुसैन के इतना करीब होना, अल्लाह अकबर अल्लाह। इमाम हुसैन रिवायत है, छठे इमाम हुसैन अर्श से 2 गिरोह की तरफ मुतवज्जे हैं, अभी भी 2 गिरोह की तरफ, पहला वो जो ज्यारत पर करबला है, जो जाहिर है ना इमाम का, उस पर इमाम की तवज्जो खास, और एक वो गिरोह
कि जो इमाम हुसैन के लिए गिरिया कर रहा, यानी हम भी इमाम से दूर नहीं है जाने मोहतरम, हम इमाम के करीब हैं। ये फिर वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह ये गुफ्तगू करेंगे कि ये रोता क्यों है आदमी, क्यों रोता है, कैसे रोता है, किस तरह रोना शुरू कर देता है वो। ये मामलात इलाही हैं, अल्लाह करे हम इन चंद दिनों में इसको खोल सकें। हो अदादारान मुस्लिम, शब जुम्मा है, सारी रूहें इस टाइम करबला में हैं। हजरत मुस्लिम भी करबला में, हमारे लिए शफात कीजिए हजरत मुस्लिम, अपने अरबाब की बारगाह में हमारे लिए दुआ कीजिए। हम बहुत खताकार हैं, गुनाहगार हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल अयाम है, हम इससे गुजर जाएं, हम इसमें कामयाब हो जाएं, हमारे हक में दुआ कीजिए। हजरत मुस्लिम, हजरत मुस्लिम आए, हद लेकर आए, कूफा वालों को दिया। आप मसाइब सुनते रहते हैं, अहले ज़ौक हैं, उल्मा को सुनने वाले हैं, मैं अदना सा तालिब इल्म। अज़ीज़ान मोहतरम, बस कहा कि ऐसा ऐसा है, लोग आए, जोक दर जोक आए, खवास आए, सब ने हजरत मुस्लिम की बैत की। जब बैत हो गई, इतने देखा तो हजरत मुस्लिम ने ख़त लिखा इमाम हुसैन, मौला यहाँ लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लोगों ने बैत कर ली, आप कूफा आ जाएं। बस यह नामा चला गया। बस उसके बाद क्या हुआ, इब्ने ज़ियाद लईन कूफा में आया, बड़े चाल चल कर आया, स्ट्रेटजी प्लानिंग से आया, लोग नहीं पहचान पाए, वक्त नहीं है कि उस पर गुफ्तगू की जाए, आ गया। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का माल, खौफ, जान, घर, तलवारों को सोनों से ख़रीदना शुरू कर दिया। करते करते कूफा वालों की आजमाइश शुरू हो गई, कूफा वाले अपने इम्तिहान में नाकाम हो गए, हुसैन का सफ़ीर तनहा रह गया। जोहर की नमाज हजारों लोग हैं, मगरिब की नमाज में कोई नहीं खड़ा, कूफा की गलियों में सन्नाटा, मुस्लिम गलियों में अकेले खड़े हैं, एक दीवार के सहारे। एक बूढ़ी खातून दरवाजा खोलती है, देखती है कौन है, फिर देखती है, कहती है जवान तुझे पता नहीं है कूफा के हालात, पहरा लगा हुआ है, तू अपने घर क्यों नहीं चला जाता। का मेरा घर नहीं है, हम मुसाफिर है। कहा पानी चाहिए, पानी दिया। कहा कहां से हो, हाँ मेरा ताल्लुक मदीना से है, मदीना का नाम सुनना था, जाहिर है खानदान इतरत की मानने वाली थी। कहा मदीना में कहां से हो, कहा महल्ला बनी हाशिम से हूं। महल्ला बनी हाशिम से हो, महल्ला बनी हाशिम में कौन, कहा मुस्लिम इब्ने अकील हूं, ये नाम सुनना था। कहा मेरे मौला मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, आप अंदर तशरीफ लाएं, आए मैं आपकी क्या खिदमत करूं, कुछ कहें। कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक जगह दे दो, मुसल्ला दे दो। अल्लाह अकबर, मुस्लिम भी जानते हैं ये शब इबादत की है। बस अज़ादारा ने मौत किस तरीके से हजरत मुस्लिम को आप जानते हैं घेरा गया, जख्मी किया गया, लेकर गए चंद जुमले और आपसे अल्तमास दुआ। हजरत मुस्लिम को ले, जख्मी है, खून कहीं पेशानी से है। इब्ने ज़ियाद लईन ने पूछा कोई ख्वाहिश है, कोई वसीयत है, कहाँ कुछ मेरा कर्ज है, ये मेरे कुछ चीज़ें बेच के दे दिया जाए, और हाँ मेरा पैगाम जो है वो इमाम हुसैन तक पहुँचा दिया जाए। कहा क्या पैगाम है, कहा कि कूफा वफा न दारत, कूफा में वफा नहीं है। बस हज़रत मुस्लिम को लेके गया, हज़रत मुस्लिम गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा ऐसा काम क्यों करते हो कि रोना पड़े, कहा मैं अपने लिए नहीं रो रहा, मैं हुसैन के बच्चों के लिए रो रहा। बस दारुल अमारा की बुलंदी पे पानी दिया गया, खून के कतरे पानी में गिरे, दूसरा जर्फ आया फिर खून गिरे, तीसरा जर्फ खून गिरे। हज़रत मुस्लिम ने पानी नहीं पिया, कैसे पीते जब अरबाब प्यासा शहीद होने वाला है, मुस्लिम कैसे पानी पिए। बस अज़ादारा ने मोहतरम, बस सर को तन से जुदा कर कर
बदन को नीचे फेंक दिया गया। जुमला सुनेंगे, हजरत मुस्लिम के बदन को कूफा की गलियों में गो क्यों? हजरत मुस्लिम कूफा की गलियों को तैयार कर रहे हैं, अली की शहजादियां आने वाली हैं, गली तैयार है, आजादारा ने पहला सर है जो कूफा के दरवाजे पर लटकाया। बस आपने गिरिया किया, शबे जुम्मा है, बहरहाल मैं बहुत माजरत चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं, शबे जुम्मा है, नहीं पता आखिरी मजलिस हो, बंदा उठे दुनिया से चला जाए, आप उठे ना उठे नहीं पता, हर रोना आखिरी रोना समझा करें, शायद यही आंसू बचा के ले जाए। खबर पहुंची, इमाम है, इमाम को पता चल गया, लेकिन इमाम है, इमाम ने बोला, लोग आए एक मकाम पर बताया, उन्होंने बताया कि हमने आखिरी जो देखा है कि हजरत मुस्लिम के बदन को कूफा में घसीटा जा रहा है, ये सुनना था। इमाम ने हजरत मुस्लिम के भाइयों को बुलाया, खबर शहादत दी, पूछा कि भाई क्या इरादा है तुम लोगों का? कहा मौला क्या? कहा मतलब भाई तुम्हारा शहीद हो गया। कहा हम आपके साथ जाएंगे, भाई के खून का बदला लेंगे, और अगर नहीं तो उसी तरह जिस तरह वो शहीद हो गया है हम भी शहीद हो जाएंगे। कहा ठीक है। मौला खेमे में आए, बीबी जैनब को मुखातिब किया, कहा जैनब हमीदा को बुलाओ, छोटी बेटी है मुस्लिम की। बस आखिरी जुमला, आखिरी, आपकी भी बेटियां हैं, खुदा बेटियों को सलामत रखे, किसी का बाप चला जाए, बेटी को जानू पर बिठाया, नवाजिश की, बच्ची बनी हाशिम की है, पहचान गई, कहा मामू जान बाबा खैरियत से हैं। बस आजादाराने मोहतरम, इस वाकये को एक और बच्ची देख रही है, बच्ची देख रही कि जब बाप चला जाए तो नवाजिश की जाती है, प्यार किया जाता है, मगर उस बच्ची को यह नहीं पता तमाचे पड़ेंगे।